नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं द एनिमल कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अलास्कन मैलाम्यूट और साइबेरियन हस्की के बीच के कुछ डिफरेंसेस। अब कई सारे लोगों को ये लगता है कि साइबेरियन हस्की और अलास्कन मैलाम्यूट दोनों सेम ब्रीड है, क्योंकि ये दिखने में काफ़ी हद तक एक जैसे नज़र आते हैं और इनकी कई सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं बट कई सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो उन्हीं के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक अलास्कन मैलाम्यूट और एक साइबेरियन हस्की में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों की इमेजेस को देख लेते हैं। ये रही एक साइबेरियन हस्की की इमेज और ये रही एक अलास्कन मैलाम्यूट की इमेज। अब इन दोनों की इमेजेस को कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं कि इनमें कई सारे डिफरेंसेस हैं। बात करें सबसे मेजर डिफरेंस और सबसे बड़े डिफरेंस के बारे में, तो वो है इन दोनों डॉग ब्रीड्स का वेट और कहें कि इन दोनों का साइज़। तो एक अलास्कन मैलाम्यूट का वज़न जो होता है वो तकरीबन 38 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम तक होता है, वहीं एक साइबेरियन हस्की का वज़न जो है वो 27 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम तक होता है। तो मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के वेट में। वेट में तो एक अलास्कन मैलाम्यूट एक साइबेरियन हस्की से ज़्यादा होते ही हैं, बाकी इनकी हाइट भी एक साइबेरियन हस्की से ज़्यादा होती है। तो कहा जाए कि ओवरऑल ये साइबेरियन हस्की से बड़ी डॉग ब्रीड है तो कोई गलत बात नहीं होगी। इनकी हाइट तकरीबन 66 सेंटीमीटर यानी कि 66 सेंटीमीटर तक हो जाती है, वहीं एक साइबेरियन हस्की की हाइट सिर्फ 60 सेंटीमीटर तक ही होती है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों डॉग ब्रीड्स के कोट के बारे में, इनके बालों के बारे में और इनके फर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं अलास्कन मैलाम्यूट और एक साइबेरियन हस्की दोनों ही ठंडे इलाकों से बिलोंग करते हैं। अलास्कन मैलाम्यूट अलास्का से बिलोंग करता है और साइबेरियन हस्की नाम से ही जाहिर होता है कि साइबेरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हमेशा ठंड पड़ती रहती है, वहाँ पर पूरे समय बर्फ़ जमी रहती है। तो ऐसे में इनको अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए एक अच्छे मोटे डेंस कोट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इन दोनों डॉग ब्रीड्स का कोट जो है वो डबल होता है, यानी कि इनका कोट जो है वो काफ़ी थिक और डेंस होता है, जिससे ये बाहर की ठंड से बच सकते हैं। मगर एक अलास्कन मैलाम्यूट के बाल जो हैं वो एक साइबेरियन हस्की के मुकाबले ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी कि इनके बाल लंबे होते हैं, और वहीं एक साइबेरियन हस्की के बाल थोड़े से मीडियम साइज़ के होते हैं, यानी कि इतने बड़े नहीं होते जितने कि एक अलास्कन मैलाम्यूट के होते हैं। तो ये तो थे डिफरेंसेस इन दोनों डॉग ब्रीड्स के अपीयरेंस को लेकर। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो अब कभी भी आप एक अलास्कन मैलाम्यूट और एक साइबेरियन हस्की में डिफरेंस आसानी से बता सकते हैं इन दोनों डॉग ब्रीड्स को देखकर। अब कभी भी आपको इन दोनों डॉग ब्रीड्स में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अपीयरेंस की बात हम लोगों ने कर ली, अब बात करते हैं इनके टेम्परामेंट, इनके बिहेवियर और भी कई सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें भी ये एक दूसरे से कई सारे डिफरेंस रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके लाइफ स्पैन से। तो एक अलास्कन मैलाम्यूट का लाइफ स्पैन तकरीबन 10 से 12 साल का होता है, वहीं एक साइबेरियन हस्की का लाइफ स्पैन 10 से 14 साल का होता है, यानी कि एक साइबेरियन हस्की एक अलास्कन मैलाम्यूट से ज़्यादा ज़िंदगी जीते हैं। इन दोनों डॉग ब्रीड्स की हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो एक साइबेरियन हस्की एक अलास्कन मैलाम्यूट के मुकाबले ज़्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड मानी जाती है, क्योंकि अलास्कन मैलाम्यूट एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड की कैटेगरी में आते हैं। इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा वज़न वाली डॉग ब्रीड्स होती है उनको कई सारे हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो इस डॉग ब्रीड को हिप डिस्प्लेसिया होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि इनका वज़न ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा समय तक अपने वज़न को ढो नहीं सकते हैं। इस वजह से कई सारी लार्ज डॉग ब्रीड्स को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब अगर बात करें इन दोनों डॉग ब्रीड्स की लॉयलनेस के बारे में, तो एक साइबेरियन हस्की जो है वो अपने पैक के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होता है। अगर ये आपकी फैमिली के साथ रहते हैं तो ये आपकी फैमिली को ही अपना पैक या फिर कहें अपना समूह समझते हैं, और अगर ये दूसरे डॉग्स के साथ रहते हैं तो उन्हें अपना पैक मानते हैं, तो ये अपने पैक के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वहीं एक अलास्कन मैलाम्यूट लॉयल्टी शो करता है सिर्फ अपने ओनर के प्रति, यानी कि ये सिर्फ लॉयल होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ओनर के प्रति, दूसरे किसी इंसान को ये कुछ समझते नहीं है, उन्हें कोई अपनी लॉयल्टी शो ज़्यादा नहीं करते हैं। अब अगर बात करें इन दोनों डॉग ब्रीड्स की इंटेलिजेंस के बारे में, तो एक साइबेरियन हस्की ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एक अलास्कन मैलाम्यूट। एक अलास्कन मैलाम्यूट को इंसानों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मगर एक साइबेरियन हस्की जो कि एक इंडिपेंडेंट डॉग ब्रीड है, उसे अकेले रहना, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ मस्ती नहीं करेगा, खेलेगा कूदेगा नहीं, बट ज़्यादातर वो अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट डॉग ब्रीड है।
ये तो हो गए इन दोनों डॉग ब्रीड्स के बीच के डिफरेंसेस। अब अगर बात करें इन दोनों डॉग ब्रीड्स के सिमिलैरिटीज़ के बारे में, तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो यही है कि ये दिखने में थोड़े थोड़े एक जैसे नज़र आते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी इनके बीच ये है कि ये दोनों ही डॉग ब्रीड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है दूसरे इंसानों के प्रति। ये हर इंसान को, हर जानवर को अपना दोस्त समझते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, मौज करते हैं। इन दोनों ही डॉग ब्रीड्स के एनर्जी लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं। ये कभी भी आपको सुस्त नज़र नहीं आएंगे। ये हमेशा खेलने कूदने के मूड में रहते हैं और हमेशा इन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास एक अलास्कन मैलाम्यूट या फिर एक साइबेरियन हस्की है या फिर आप उसे लाना चाहते हैं अपने घर में, तो उनकी एक्सरसाइज पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये दोनों ही डॉग ब्रीड्स एक डबल कोट डॉग ब्रीड है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। तो अगर आपके पास एक साइबेरियन हस्की या फिर एक अलास्कन मैलाम्यूट है, तो आपको इनकी शेडिंग की समस्या का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज़ एक साइबेरियन हस्की और एक अलास्कन मैलाम्यूट के बीच। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इन दोनों डॉग ब्रीड्स में से कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा पसंद आई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन का ऑप्शन दिया हुआ है उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।